और अब बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। पीएम मोदी का एम फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव का खाका खींचा। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को 24 का चुनाव जीतने की पूरी रणनीति बता दी। रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो मुसलमानों से भी मिलें, उन्हें पार्टी से जोड़ें। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव जीतने का मंत्र, ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में 2024 जीतने का खाका क्या है, ये उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन भाषण में क्लियर कर दिया। 24 की जीत के लिए मोदी ने कार्यकर्ताओं से समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने को कहा। 18 से 25 साल के युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया, भाजपा जोड़ो अभियान चलाने का मंत्र दिया, साथ ही पार्टी से मुसलमानों को जोड़ने की बात कही। समाज के सभी तबकों का अर्थ ये होता है कि सारे के सारे, उसमें पर्टिकुलर ये तबका या वो तबका नहीं, समाज के जितने पिछड़े हैं ये सभी को हम लोग किस प्रकार से मुख्य धारा में ला पाए। मोदी का फोकस पसमांदा और बोहरा मुसलमानों पर है। ट्रिपल तलाक के बाद मुसलमानों को करीब लाने की पीएम मोदी की ये दूसरी बड़ी कोशिश है। पसमांदा मुस्लिम की आबादी भारत की मुस्लिम आबादी का करीब 85% है, जबकि बोहरा समुदाय की आबादी करीब 20 लाख है। पूरे देश में मुस्लिम बहुल वोटर वाली 92 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में इनमें से 45 सीटें जीती थी। मोदी ने इस नंबर को बढ़ाने की रणनीति बनाई है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने बीजेपी के उन नेताओं को भी हिदायत दे दी जो मुसलमानों के बारे में बयानबाजी करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश के मुस्लिम बहुल इलाकों के 92 में से 45 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन संख्या को और भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने आज हिदायत दी है कि अल्पसंख्यकों के बारे में अनाप शनाप बातें न की जाए। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संदेश है, नफरत वाली पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाएं, सबसे मिलें और सबको जोड़ें।